ऐसे था कि मार्केट थी, तो मैं ऐसे फेस टर्न करके खड़ा था, पानी की बोतल मेरे हाथ में थी और एप्पल था हाथ में, मैं उसको वॉश कर रहा था, पर पीछे देखने से ऐसा लगता था कि मैं पी कर रहा, ठीक है वो चीज मैंने। ओके जैकलीन या फिर कैटरीना एंड बाय? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट क्यों? वो मेरे को बहुत क्यूट लगती है। ओके हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केस, और आज मेरे साथ मौजूद है वेरी यंग, अ वेरी फेमस यूट्यूबर जिनको अपनी प्रिंसिपल की बेटी से बार बार प्यार हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिस इज सुमेश की, जो कि आज मेरे साथ मौजूद है। तो चलिए करते हैं इससे कुछ खास बात। तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे? मैं बढ़िया हूँ। ओके, इंटरव्यू में आए, कितना नर्वस और कितना एक्साइटेड है? थोड़ा सा नर्वस हूँ पर ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ठीक है। ओके, तो वीडियो का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ, पहली वीडियो कब बनाई? मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था आपसे 2 साल पहले, 2017 में जनवरी में, फर्स्ट मंथ में। मेरा मेरे आइडिया कैसे आया, मेरा एक फ्रेंड था मिस्टर बबनीत, तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था काफ़ी टाइम से, तो हम एक साथ मतलब काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे, मोस्टली मैं उसके साथ ही रहता था सारा दिन। उसको एक प्रॉब्लम थी, डिसीज़ था थैलेसीमिया, उसमें क्या होता है कि ना ब्लड नहीं बनता अंदर, तो काफ़ी मेजर प्रॉब्लम थी। तो मेरे को पता था, उसको भी पता था और हमारे सभी ग्रुप को पता था कि उसकी एज ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो बट प्यार तो देखो बना हुआ था उसके साथ काफ़ी, तो वैसे था कि हम काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे, तो जब भी मैं उसके साथ होता था, मैं सभी के साथ जैसे अपने फ्रेंड्स होते थे, मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करता था, मतलब ओवर फन करना जिसको बोलते हैं ना, किसी भी स्ट्रेंजर बंदे को पकड़ के उसकी ऐसे मतलब बजाना, तो वो चीज़ें करता था मैं। तो वो एक दिन उसने मेरे को ऐसे वो ऑब्जर्व कर रहा होगा जैसे मैं कोई हरकत कर रहा था, वो हरकत भी मेरे को याद है कि मैं पटियाला पंजाब से हूँ, तो वहाँ पे एक जगह है, हम वहाँ पे खड़े होके कुछ खा रहे थे, ठीक है। वहाँ पे कुछ छोटे बच्चे हैं जो वो होते हैं बैलून सेलर बैगर्स होते हैं, जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं उनके साथ ऐसे ना मतलब बातें करना मजाक करना काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं उनके साथ ऐसे पंगे ले रहा था, तो मेरे को ऑब्जर्व कर रहा था खड़ा। तो जब मैं वापस जाने का टाइम आया, तो उसने मेरे को बोला कि तो इतनी इतनी बातें तेरे माइंड में आती हैं, थॉट्स आते हैं, तो ऐसे बोलता रहता है, ये चीज़ होती है लोगों के अंदर, वो बोल रहा था। कई लोग होते हैं ऐसे जो बहुत बोलते हैं, तो वो बोलता है कि तू इस चीज़ को यूज़ कर। मैंने बोला इस चीज़ को यूज़ कैसे कर सकता हूँ मैं? उसने बोला कि ऐसे यूट्यूब पे ना वीडियोज़ आती हैं, कॉमेडी वीडियोज़, फनी मतलब ऐसे इमोशनल, मतलब लोग ऐसे शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाते हैं। यूट्यूब का नाम सुना हुआ था मैंने, पर मैंने देखा नहीं था, 2 साल पहले भी बोल रहा हूँ मैं, नहीं पता था मेरे को इतना यूट्यूब का। तो उसने बोला कि देखियो, मैंने बोला मेरे को सजेस्ट कर मैं किसकी वीडियो देखूं, तो मेरे को उसने ऐसे निकाल के दी, तो जैसे यूट्यूब क्रिएटर है हर्ष बेनीवाल, उसकी वीडियो दी, उसने मेरे को निकाल के इसको बोला कि घर जाके देखियो इसकी वीडियो। और मैं घर गया तो मैंने वीडियो देखी, इतनी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को कि मैंने रात भर में सारी वीडियो देख डाली, और मैंने सुबह उसको कॉल किया, मिलते हैं एज यूजुअली जैसे हम मिलते थे, ठीक है। मैं उसके पास गया और मैंने बोला कि यार मेरे को ये करना है यार, इसमें तो मज़ा ही बढ़ाएगा करके, ठीक है, और लोग हमें देखेंगे, ठीक है, जैसे हम डेली रूटीन में करते हैं वो चीज़ हम शूट करके डालेंगे तो लोग हमें देखेंगे, कितना सही रहेगा। तो मैंने उससे पूछा कि मैं मेरे को सजेस्ट कर कि मैं मेरे को कैसी वीडियोज़ बनानी चाहिए। उसने ये बोला कि तू देख तू कौन सी वीडियो ज़्यादा अच्छी बना सकता है, मेरा जॉनर क्या, तू किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा अपना दे सकता है। तो मेरे को बोला, मैंने बोला कि यार पहले ना इमोशनल वीडियोज़ बनाते हैं, मैंने देखी यूट्यूब इमोशनल वीडियोज भी, मैंने बोला कि यार लोग ना बड़ा टच करते हो जाते हैं उसे, वो चीज़ करनी चाहिए हमें, तो हमें तो ऐसे कि यार हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखे पहली वीडियो पे ही, सबका ऐसे होता है। तो फिर हमने वही मतलब गरीब बच्चों को पकड़ा जो बैलून सेलर से, तो हमने उनको पकड़ा और हमने ना गाड़ी साइड पे लगा के दूर, वहाँ अंदर कैमरामैन बैठ गया था, वो खुद कैमरामैन था, वो खुद कैमरा ऑपरेट करता था। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, आपका दिल नहीं करता कि आप और लोगों की तरह घर पर बैठे हो आराम करो? तो उसने अपनी अपनी मजबूरियाँ बताई, इसके भी मेरे फादर काम नहीं करते हैं, मेरे को काम करना पड़ता है, ये सब चीज़ें बताई उन्होंने। तो मैंने पूछा कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्या मतलब आपकी डिज़ायर इच्छाएँ क्या हैं, कि आप क्या करना चाहते हो? किसी ने बोला कि मैं ये डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर, तो उन्होंने बहुत अच्छे आंसर्स दिए और वो हमारी 11-12 मिनट की वीडियो शूट हुई, ठीक है। उसको फिर मैंने एडिट करवाया क्योंकि मेरे को एडिटिंग नहीं आती थी, ठीक है, एडिटिंग करवाई और वीडियो अपलोड किया और सब शेयर, पहले क्या होता है सभी से शेयर, पहली वीडियो है तो सभी को बता बता के कि इसको आगे शेयर करो, औरों को पकड़ पकड़ के शेयर शेयर शेयर, सभी से शेयर करवाई, तो सभी के मैसेज बहुत पॉजिटिव आए कि यार सुमेश तूने बहुत अच्छा काम किया, यार तूने तो बहुत अच्छा काम किया ये, तो वहाँ वाई सी मिली, तो फिर थोड़ा चौड़ा सा हो गया मैं भी, हाँ यार अब तो बस रेगुलरिटी में वीडियोज़ बनानी है, अब नहीं छोड़ना। तो ऐसे मैं पहली वीडियोज़ थे मेरे 400-500 सब्सक्राइबर हुए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस वक्त के लिए, जिसमें से 50 तो मैंने बस खुद ही करवाया पकड़ पकड़ के वैसे, पर फिर भी चलो काफ़ी बड़ी बात थी।
तो उसके बाद फिर से मैंने वीडियो ऐसी वीडियो बनानी शुरू की कि हार्ड वर्क पेस ऑफ, ठीक है। एक्टिंग का तो उस टाइम कुछ आता नहीं था हमें, पहली वीडियो तो नेचुरल थी क्योंकि क्वेश्चन पूछे, दूसरे में मेरे को अब एक्टिंग करनी थी, एक्टिंग तो कभी की नहीं है तो उस पर एक्टिंग मैंने की नहीं कभी, तो मैंने उसे बोला कि ऐसे प्रैक्टिस किया कर मिरर के सामने खड़े होके ये चीज़ें, तो मैंने एक दिन की, उसके बाद मेरे से हुई नहीं। मैंने बोला क्या है पागलपंती कर रहा हूँ मैं क्यों करूँगा, ठीक है मैं कर लूँगा ऐसे मैंने बोला। तो हमने शूट की, अब मैं देखता हूँ वीडियोस, मेरे को लगता है कि मैंने कितनी थर्ड क्लास एक्टिंग की थी उस वक्त, तो लगता था मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है भाई। तो उस टाइम वो एक्टिंग की मतलब उसमें हमने स्क्रिप्ट बनाई, वो भी ऐसे मतलब इमोशनल टच ही रहता था वीडियो का स्टार्टिंग में, पर मेरे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं उससे। तो फिर मैंने सोचा कि यार अभी थोड़ा कुछ नई चीज़ ट्राई की जाए, कॉमेडी, हाँ बिल्कुल कॉमेडी की जाए। तो फिर मैंने कॉमेडीज़ में वीडियोज़ बनानी शुरू की, और फिर कॉमेडीज़ में बनाता गया। फिर बीच में मैंने मोबाइल से भी शूट की वीडियोस, क्योंकि हर वीडियो मेरे को कैमरे में बनाने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कैमरामैन नहीं अवेलेबल होता था कई बार, और एडिटिंग तो आती नहीं थी, फ़ोन से ही करता था एडिटिंग में। तो फिर मैंने मोबाइल से भी कुछ वीडियो शूट की, मतलब मेरा कभी ऐसे नहीं रहा कि स्टेबिलिटी रही हो किसी क्वालिटी में, डाउन अप चलता रहता, बीच में कैमरा बीच ही मोबाइल में वीडियो बना के डालता, क्योंकि ऐसा होता था कि देनी है वीडियो बस कैसे भी कुछ भी। ओके, टीम के बारे में कुछ बताइए, कितने मेंबर्स हैं और क्या कौन क्या काम करता है? देखो मेंबर्स तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन मेनली 5 मेंबर हैं, ठीक है। जैसे मेरे साथ भी हैं अभी यहाँ पे मुकुल पाल, वो क्या है कि अब मेरी वीडियो सारी वही कर रहे हैं, एडिटिंग में मेरे को काफ़ी हेल्प करते हैं वो, एडिटिंग पहले उनको नहीं आती थी, मेरे को जैसे आ गई थी तो मैंने उनको सिखाई, तो फिर वो काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी एडिटिंग में। और एक पूनम रहेजा जो मेन लीड फीमेल कर रहे हैं, ठीक है। और हैं सौरव, दीपक, आशीष, जो काफ़ी हैं, सब बहुत सपोर्टिव हैं, सब मतलब कुछ भी चाहिए होती है तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार मैंने ये कंसेप्ट बना लिया, अब ऐसी ऐसी लोकेशन चाहिए, ये हमें काम मिलेंगे, वो बोलते हैं कि ये वो सब मतलब काफ़ी फैमिली की तरह रहते हैं और सब कुछ अरेंज करवा देते हैं। फैमिली का सपोर्ट कितना मिला, मम्मी का, पापा का, रिलेटिव्स का? हाँ, पहले तो नहीं था, स्टार्टिंग में बिल्कुल ही नहीं था। इनफैक्ट मेरे को बोलते थे कि छोड़ दे ये कुछ नहीं है, इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है। और मैं कोडिंग करता था उस टाइम, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, तो मेरा उससे ध्यान बहुत ज़्यादा कम हो गया था मेरा ध्यान। तो घर वालों को भी दिख रहा था ये कुछ नहीं करता, लैपटॉप पड़ा रहता सारा दिन ऐसे, मतलब कुछ करता नहीं पहले, क्योंकि करता था मैं काफ़ी। तो फिर रिलेटिव्स का भी ऐसे था कि यार ये क्या करने लग गया भाई आपका बेटा, ठीक है, अच्छा वाला काम कर रहा था, इसके दिमाग में किसने ये डाल दिया, तू ये वीडियोज़ बनाने लग गया। पर मेरे मदर थे जो, वो मेरे को डे वन से बहुत सपोर्ट करते थे, डे वन से उनको ऐसा था कि ये जो करेगा ना ठीक ही करेगा, उनको पता भी नहीं था लेकिन अंदर से उसका उनको ऐसा था कि यार ये जो कर रहा है ना सही कर रहा है बस। वो फिर फादर जो बोलते थे तो वो हैंडल करते थे उनको, मैं बोलता था कि यार आप समझा लो भाई, मैं अब उनसे ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। और फादर के साथ मेरा ऐसा रिलेशन है कि मैं ना उनसे ज़्यादा बात कर की नहीं, कभी नहीं की, मैं कर नहीं पाता उनसे ज़्यादा बात, मेरा है नहीं उनके साथ इतना, वो मतलब प्यार बहुत है लेकिन मैं बोल नहीं पाता उनके साथ ज़्यादा, तो मेरी मतलब लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। मदर के साथ मेरा ऐसे है कि मेरे को कोई भी छोटी बड़ी बात वही मेरा सारा कुछ। ओके, रिलेटिव्स का कैसे सपोर्ट मिला, क्योंकि रिलेटिव्स फोन करके पूछते हैं कि लड़का क्या कर रहा है, क्या कितनी पढ़ाई कर रहा है, ऐसा कुछ? अभी हाँ, अभी ऐसे पहले तो बहुत दिक्कतें फेस करी उन्होंने भी, मेरे घर वालों ने भी और मैंने भी, क्योंकि घर वालों को जब भी घर पे आए, हाँ फिर वही वीडियोस बना रहा है, क्या चल रहा है, कितने हो गए सब्सक्राइबर, तो ऐसे वो मुँह नीचे करके, हाँ भाई ठीक चल रहा है, चलो ठीक है मम्मी मैं आता हूँ, फिर निकल आता था। मेरे को तो दबाव ही नहीं था देने का, क्योंकि मेरे 1.5 साल तक सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर थे सिर्फ, मतलब चैनल ग्रोथ ही नहीं कर रहा था। तो ऐसी वो कौन सी वीडियो थी जिससे आपके चैनल की ग्रोथ हुई थी? हाँ, होली थी 2018 में, होली पे वीडियो शूट की थी मैंने एक, उसमें ऐसा था कि प्रॉपर सॉन्ग के ऊपर ही थी वो, बट वो ऐसे एंड में उसका ऐसा था कि मैं वो इमेजिन कर रहा था, ड्रीमिंग थी मतलब वेरी वो, पर वीडियो नहीं चल रही थी, वो उस वीडियो को ऐसे डाली, उसमें भी कोई उम्मीद नहीं थी कि जैसे ये वीडियो चल रही है भी चलो डाल देते हैं देखते हैं। तो मेरे को रात को फ़ोन आया 1 बजे मेरे फ्रेंड का, एक पूरा तेरी वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है भाई ये वो, मैं सारी रात नहीं सोया, व्यूज़ ऐसे बढ़ रहे थे मतलब जैसे मतलब कैसे बताऊँ, पानी निकलता रहता है ऐसे इतनी स्पीड से, मतलब 2 दिन के अंदर उसके 6 लाख व्यूज़ हो गए थे। उस दिन आपको नींद नहीं आई होगी बिल्कुल भी? बिल्कुल भी नहीं, उस दिन मेरे सब्सक्राइबर हो चुके थे 8-9 हज़ार कुछ, ठीक है। वो मतलब खुशी का लेवल, और जितने टाइम से हम सोच रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब कंटेंट देख के डालना चाहिए, अब चल जाएगा कुछ भी, बट यहाँ पर मैं गलत था। मेरे उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई बहुत अच्छे लेवल की, बहुत सही लव स्टोरी थी वो एक, वो अपलोड की, उसका 5-6 हज़ार व्यू आए नहीं बिल्कुल, तो मैं फिर थोड़ा डाउन चला गया मैं कि यार मैंने, जब ऐसे होता है ना स्टार्टिंग में नहीं पता होती, तो पहले जब 4 लाख या 5 लाख व्यूज़ आए हैं तो अगली भी इतने कम क्यों हुई, उस पर भी इतने आने चाहिए। फिर दूसरी वीडियो डाली, फिर उसका ऐसे ही रिस्पॉन्स, अब मेरा अपने मेरे को होता रहा यार क्या करूँ, एक दिन दो दिन तो बहुत चौड़ मार ली, अब क्या करेंगे,
मतलब चोट किसी के सामने मैंने कभी चोट नहीं मारी, अपने अंदर ही होता है ना बंदे को कि यार मेरा काम अब जा रहा, लोगों को बहुत मेहनत करनी है, वो अपने अंदर होता है वो चीज़। अपने आप ही मैं अपने आप को वो कर रहा था कि यार क्या हो रहा है ये। फिर ऐसे ही सेम जैसे सडनली वीडियो चली, वही जो होली के बाद वाली वीडियो थी ना लव स्टोरी, वो भी एकदम ऐसे चली, वो उससे 3 गुना ज़्यादा चली, मतलब उसके 1 हफ्ते के अंदर 2-3 मिलियन व्यूज़ चले गए। तो उसने चैनल को काफ़ी पुश कर दिया, उसने वो ले गया था चैनल 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर तक। उसके बाद जितनी भी वीडियोज़ डाली टचवुड वो सब सही चलती रही, ऐसे रहा। ओके, आपकी टीम में जितने मेंबर्स हैं उनके अलग चैनल है या फिर वो आपके साथ ही काम कर रहे हैं? अभी तो मेरे साथ ही काम कर रहे हैं वो, तो अभी कुछ हैं जो चैनल बनाने का सोच रहे हैं अभी, लेकिन अभी किसी का चैनल। पहली वीडियो जब आपने डाली तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था? मैंने पहली जब वीडियो डाली थी तो मैंने उनको LED पे लगा के दी, तो सबके घर, क्योंकि वो वीडियो भी अच्छी थी, कुछ टची वीडियो थी ना वो, तो थोड़ा भी इमोशनल हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब उनको ऐसे हो रहा था कि यार ये इसने क्या करती, क्योंकि उनके सामने ये मैं कभी पागलों वाली हरकतें करते तो ये तो बहुत अंदर से यार सियाना बंदा है, ठीक है। तो वो चीज़ घर वालों को अच्छी लगी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वीडियो बनाने के लिए मना नहीं किया, उन्होंने बोला कि इसको अपना करियर मत बना अभी, तो इसको करियर मत बना अपना, तो इसको साइड बाय साइड करता रहा अपने शौक के लिए, जो तू कर रहा है उसको मत छोड़। लेकिन मेरा चैनल तभी बिल्कुल भी इस्टेब्लिश नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी प्रॉपर स्टडी ड्रॉप आउट कर दी, मेरा बिल्कुल ही मन उठ गया, होता ना कि अब करूँगा तो यही वरना करना ही कुछ। और मेरे फादर का फैमिली बिजनेस है लेडीज़ फूड्स वगैरह का, तो घर वाले बोलते हैं अगर तेरे को नहीं स्टडी करनी तो तू मेरी हेल्प कर भाई तू मेरे को, तो मैंने बोला ये भी नहीं करना मेरे, तो वो चीज़ थोड़ा घर में मेरे को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, उनके साथ सर्वाइव लड़ना चाहिए। महीने का टारगेट क्या रहता है वीडियो का, कितनी वीडियो बनानी है महीने में? देखो अब टारगेट तो ऐसे रहता है कि मंथ में 3 वीडियो एटलीस्ट दे पाऊँ, लेकिन 2 ही दे पा रहा हूँ अभी, क्योंकि अब ऐसा हो गया ना कि अब ऑडियंस देखने वाली ज़्यादा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है, तो उस चक्कर में प्रेशर बहुत हो जाता है माइंड पे कि यार अब जैसे पिछली वीडियो थी उसके इतने अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आए इतने ज़्यादा कि हाँ यार बहुत मज़ा आ गया ये, वो एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ गई ना आपकी, अगला जो आएगा बहुत अच्छा आएगा, उस प्रेशर में पहले तो सॉरी 2-3 दिन निकल जाते हैं कि अब क्या दें क्या दें, तो उस चीज़ में अभी मैं टाइम लग जाता है, शूट एडिट में भी बहुत टाइम, पहले तो ऐसा होता कि 1 दिन में वीडियो शूट कर देता, अभी 3-4 दिन भी लग जाते हैं, तो अभी पर को एक प्रॉपर देना पड़ता है ना ध्यान कि यार सही आना चाहिए बिल्कुल, अब लोगों को कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट ना फील हो। ओके, आपकी वीडियो में ऐसी कौन सी USP है जो आपकी वीडियो दूसरों से अलग बनाती है? देखो मैं ऐसा क्लियरली नहीं बोल सकता, लेकिन अपनी मैं ऑब्जर्व करके औरों की वीडियो से ये बोल सकता हूँ कि मैं लव स्टोरी बनाता हूँ ना, जिसमें लव स्टोरी के साथ मेरा कॉमेडी फ्लेवर मिक्स होता है, मेरा ऐसे नहीं होगा कि 70% लव स्टोरी और 30% कॉमेडी, मेरा 50-50 रहता है। जैसे कोई रोमांटिक सीन भी चल रहा था तो उसमें मैं पंचेस डाल देता हूँ, लोगों को वही चीज़ अच्छी आती है, ये चीज़ मैंने लोगों के कमेंट से जानी है कि हाँ अगर मैं ये चीज़ मैंने जब सोचा था कि हाँ लोगों को वही चीज़ ही पसंद आ रही है, वो मेरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। ओके, डे बाय डे जब आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होते हैं तो कैसा फील होता है? देखो पहले तो पीछे ना मेरी एक सीरीज चली थी स्कूल वाली, स्कूल सीरीज थी प्रिंसिपल की बेटी से, हाँ जी उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, उन दिनों में तो मतलब ऐसे हो रहा था कि हर 5 मिनट बाद चेक करना पड़ता था, इतनी तेज़ी से स्पीड बढ़ रही थी, अभी भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अभी मैं थोड़ा ध्यान कम देता हूँ, सिर्फ अपना कंटेंट की तरफ ही रहता है कि अभी ऐसा होगा कि जितनी ऑडियंस है पहले उनके लिए देख लें, ऑडियंस तो अभी आती रहेगी। और ओके, कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहो वीडियो बनाते हुए या फिर कोई क्रेजी फन आपको मिला हो कुछ ऐसा? ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा ऐसे मस्ती करने वाला इंसान हूँ, तो मैं एक वीडियो शूट करने के लिए घूमने के लिए गया था बेसिकली मनाली, तो वहीं मैंने वीडियो शूट की थी, वहाँ पे मैंने उस रोड पे बहुत ज़्यादा मस्ती की थी, वो ऐसे था कि मार्केट थी तो मैं ऐसे फेस टर्न करके खड़ा था, पानी की बोतल मेरे हाथ में थी और एप्पल था हाथ में, मैं उसको वॉश कर रहा था, पर पीछे देखने से ऐसा लगता था कि मैं पी कर रहा, ठीक है। वो चीज़ मैंने, वो लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम हमने कैप्चर भी की थे कुछ, वो इतना ज़्यादा फनी था कि मैं ऐसे वो बोलने में आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जो सिचुएशन थी ना वो मतलब लेवल ही कुछ और था उसका। ओके, अगर आपको मौका मिले कोलैबोरेशन करने का, कि आई थिंक आपने संजू शेरावत के साथ भी कोलैबोरेट किया था, हाँ जी, अगर और किसी साथ को कोलैबोरेशन का मौका मिले तो किस साल पढ़ना चाहोगे? मैं जैसे आपको बताया कि मैंने YouTube का करियर हर्ष बेनीवाल को देख के स्टार्ट किया था, तो मेरी डे वन से विश है कि मैं उनके साथ एक बार कोलैब करना चाहूँगा। ओके, तो हम इंटरव्यू थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, रैपिड फायर गेम खेलते हैं। ओके, तो डिफाइन योर स्टाइल इन 3 वर्ड्स। In videos or in normal life? In normal life. Okay.
लोग मेरे को क्यूट बोलते हैं कि मैं बच्चा मतलब ऐसे ही क्यूट टाइप वाला वो लगता है, और थ्री चीज़ें बोलते हैं, तीन चीज़ें चुलबुल हाँ, ऐसा कह सकते हो, ज़्यादा बोलने वाला थोड़ा। ओके, इंस्टाग्राम और ट्विटर? इंस्टाग्राम। ओके, हाउ डू यू लुक एट योर जर्नी? मैं कैसे दिखता हूँ वो, अपनी पूरी जर्नी को कितना स्ट्रगल? मैं आपको जैसे भी बता रहा था कि डेढ़ साल तक तो ऐसे चल रहा था कि बिल्कुल ही, एक होता ना थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल स्टेबिलिटी चल रही थी कि यार लो लो लो। तो एकदम से जब पुश मिला ना, तो वो चीज़ को मैं देखता हूँ कि किस्मत मानता हूँ अपनी, और हार्डवर्क को, कोई असली मेहनत भी मैंने वैसे देखा जाए तो एक साल के बाद ही शुरू की थी। ओके, जैकलीन या फिर कैटरीना, एंड व्हाई? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट क्यों? वो मेरे को बहुत क्यूट लगती है। ओके, व्हाट इज द सक्सेस थिंग अबाउट अ वुमन अकॉर्डिंग टू यू? सक्सेस देना चाहिए। आपके माइंड में क्या आता है? स्माइल। स्माइल, ओके। एंड द सक्सेस थिंग अबाउट यू? आल्सो स्माइल। ये ऐसे लड़कियां बोलती हैं। ओके, न्यू और ओल्ड? व्हाट? न्यू और ओल्ड? ऑब्वियसली। ओके, एनी सेलिब्रिटी क्रश? आलिया भट्ट। ओके, बियर और व्हिस्की? कुछ आई थिंक हां सीरियसली। ओके, बेस्ट फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड। ओके, आपको गोल्डन बटन मिल चुका है, तो उस पल को आपने कैसे सेलिब्रेट किया? वो देखो ऐसे है कि जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे ना, तब मतलब खुशी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, कि बस मैं उस दिन रोया नहीं सिर्फ, बट मेरे को अंदर से मन में आता था। एक तो मेरी प्रॉब्लम में मेरे को रोना आता नहीं है, क्योंकि सीरियस सिचुएशन में भी, जैसे फैमिली में भी पहले कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, भी शायद मेरे वो है नहीं अंदर आंसू वाला सिस्टम, लेकिन मैं दिल बहुत मेरा उस चीज़ को फील करता है। तो वो जब हुई थी मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी थी, और जब लेकिन गोल्डन प्ले बटन ऐप सॉन्ग थोड़ी कम थी, पर 1 मिलियन की ज़्यादा थी, पर उसको हमने सभी सारी टीम के साथ सेलिब्रेट किया था। हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी वहीं पे पटियाला में, तो वहाँ सभी हमारे टीम मेंबर आए, तो हमने काफ़ी फन किया, डांस वगैरह। ओके, आजकल की यूथ ज़्यादा ये यूट्यूब पर ज़्यादा फोकस हो रही है, पढ़ाई को ना छोड़ के, तो यूट्यूब के बारे में, करियर के बारे में आपका क्या कहना है? देखो मैं कह रहा हूँ कि जिन जो बिल्कुल दिल से करना चाहते हैं वो करें, वो कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसे है ना कि मोस्टली अब क्या दिक्कत आ रही है लोगों को, एक तो कोई भी क्रिएटर जैसे बढ़ रहा है ना, तो लोग क्या करते हैं, उनका नेम यूज़ करके ना उनकी बायोग्राफीज बनाना शुरू कर देते हैं, वो टोटली फेक होती हैं, ठीक है, कि वो महीने का इतना कमा रहा है, उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास जैसा घर है, घर भी महल दिखाते हैं वो, ठीक है। तो उस चीज़ से क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ही हैं जो 10 प्लस 2 के बाद अपना यूट्यूब को करियर बनाना चाहते हैं, उन पे वो गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि यार 2 साल पहले चैनल शुरू किया था, इतना बड़ा घर ले लिया, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, इतना कुछ है नहीं है, और लोगों को दिखाया जा रहा है, वो गलत गाइड कर रहे हैं। वो उनकी एज भी ऐसी है, उनको जो दिखाओगे वो मान लेंगे, ठीक है, उस चीज़ को मान के वो ऐसे वो पड़ जाते हैं पीछे कि हमने यार यूट्यूब पे करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पैसा देख के आ रहा है ना यूट्यूब पे, उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने चैनल को स्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब तो कंपटीशन भी बहुत हो चुका है, तो पहले तो अपने आप को देखो कि हाँ यार मैं वाकई औरों से अलग हूँ और मैं कर सकता हूँ, तब आओ, अदरवाइज़ करो वीडियोस को। ये नहीं कि मतलब कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो नहीं करो, नहीं कर सकते हो तब भी करो, कोशिश करो, लेकिन इसको अपना प्रॉपर वो मत बनाओ कि पैशन मत बनाओ, काम मत बनाओ कि मैं यही करूँगा और कुछ दूसरा काम नहीं करूँगा, साइड बिजनेस और एक शौक के तौर पर लेके चलो। जब आपको दिखने लगेगा कि यार ऑडियंस आपको देख रही है, आपको पसंद कर रही है, तो आप धीरे धीरे खुद ही इन्वॉल्व हो जाओगे, प्रॉपर अपना उसको करियर बना लोगे, पता नहीं लगेगा आपको कि। लेकिन अब ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़ के आप वीडियोज बनाने लग गए, वो टोटली गलत है। ओके ओके, सुमित आप काफ़ी गुड लुकिंग भी लग रहे हैं और काफ़ी क्यूट भी है, तो आपने मॉडलिंग में भी ट्राई किया है? नहीं, कभी नहीं, चाहता भी नहीं मॉडलिंग। बॉलीवुड में तो देखो हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं बॉलीवुड से ज़्यादा टीवी सीरियल होते हैं ना, तो मैं पहले देखता था बहुत मम्मी के साथ मैं बहुत देखता था, मेरे को अच्छे लगते थे। तो मेरे को जब मैंने फिर ना मैंने यूट्यूब पर देखा कि शूट कैसे होते हैं, उनके बिहाइंड के सीन्स डाले होते हैं, उसमें मैंने काफ़ी सर्च किया, और मैंने मेरे को ये मालूम पड़ा कि उसमें ऐसा होता है कि डेली शूट चलता है, डेली काम करना पड़ता है। तो अब मेरे को ये नहीं है कि मेरे को यार बिजनेस में बिल्कुल नहीं सोचता अपने काम को, मेरे को सिर्फ एक्टिंग करने में मज़ा आता है और मैं वही कर रहा हूँ।
इसलिए मेरे को टीवी सीरियल ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि यार डेली सुबह जाओ और लगातार एक्टिंग करनी। एक्टिंग मतलब मेरे को आता है कि मैं हर रोज एक्टिंग करता रहूँ। मेरे को एक्टिंग का कीड़ा कब से आया आपने ऐसा कुछ? वही जब मैंने कॉमेडी वीडियोज़ बनानी स्टार्ट की, उससे पहले इतना नहीं था मेरे को एक्टिंग का। उस टाइम मजबूरी थी कि मेरे को वीडियो बनानी, उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ेगी। अब लेकिन जब मैंने कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू किया ना और देखना और लोगों, फिर मेरे को एक्टिंग का आया कि यार एक्टिंग मेरे को इनसे बेटर करनी है, इनसे अच्छा करना। ओके, अगली वीडियो किस पे बना रहे हैं आप? अभी हमारी वीडियो आ रही है, काफ़ी क्रिएटर्स बनाते हैं भाई बहन के ऊपर वीडियो। क्या लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, उसके बाद कभी भी कोई बहन भाई वाली वीडियो नहीं बनाई। तो अभी मैं बहन भाई वाली वीडियो रिलीज़ करने वाला एक हफ्ते के अंदर, लेकिन वो भी टोटली डिफरेंट कंटेंट है तो लोगों को पसंद आएगा। ओके, आपकी ज़्यादातर वीडियो या तो लव स्टोरी होगी या तो फ्रेंड की होगी, उसके पीछे कोई कहानी है या फिर लोगों को मसाला पसंद है? लोगों को मसाला भी पसंद है और मेरे को पर्सनली पसंद है, लेकिन ऐसा कुछ मेरा सीरियस वो नहीं है कि हाँ प्यार में दीवाना हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ मेरे को ये चीज़ें अच्छी लगती है देखनी भी, और जैसे हम मूवीज़ में भी ऐसे होता है कि रोमांटिक मूवीज़ लोगों को देखना अच्छा लगता है, लेकिन सभी ये नहीं कि प्यार में डूबे हों, लेकिन उनको देखना अच्छा लगता है। ऐसे सेम मेरे साथ है, मेरे को देखना अच्छा लगता है, बनाना अच्छा लगता है, लेकिन मेरा पर्सनली इसमें कुछ हो नहीं है। ओके, लास्ट में अपने व्यूअर्स के लिए आप कुछ कहना चाहूँ? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ और आप हमें बहुत सपोर्ट करते हो, ऐसे सपोर्ट करते रहो, और मैं आपके लिए डे बाय डे बहुत अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा। और मैं एक अपडेट भी देना चाहता हूँ, जैसे आपने भी मेरे को बताया था और आपने पूछा था, हमारी सीरीज आई थी प्रिंसिपल की बेटी से प्यार, आज तक उसके बाद इतनी वीडियोज़ आ चुकी हैं, लेकिन स्टिल लोग उसको भूले नहीं हैं, और वो ना एक्चुअली रिलेट बहुत किए लोगों ने, क्योंकि सब पहले क्या होता था, जो नॉर्मल शहरों में रहते हैं ना उनके छोटे स्कूल होते हैं, छोटे स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं वो अपने बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो उनको और नेचुरल या कह लो या फिर प्रिंसिपल की बेटी का स्टेटस देख के लोगों को ऐसे होता है कि यार बड़ी अच्छी है यार इसको पटाना है। तो ये ऐसे करके कैसे था कुछ यार, ये था थोड़ा मेरे से रिलेट करता था, तो मेरे माइंड में एक थोड़ा सा थॉट था कि यार इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, लोगों को अच्छी लगेगी। और ऐसे हुआ कि उस एपिसोड के फर्स्ट एपिसोड के 18 मिलियन व्यूज़ हैं आज, इसीलिए हैं कि वो लोगों ने रिलेट बहुत किया। और मैं यही अपडेट देना चाहता हूँ कि अभी भी बोलते हैं कि यार लेके आओ दोबारा से सीरीज़ लेके आओ, मैं फिर से एक सीरीज़ उसके दो एपिसोड में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, फिर से स्कूल की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो आपको जल्दी अपडेट करूँगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर खबर से जुड़े रहें आप।